हमारा क्या मतलब पाकिस्तान से। मैं तो कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी से मैं आपके टीवी के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन्होंने जो हमारे ऊपर अटैक किए थे हमें तो उन पर अटैक करना चाहिए था, इस्लामाबाद में जाके अटैक करना चाहिए उन पर। आप सक्षम हैं, आप मजबूत देश हैं, पाकिस्तान तो कमज़ोर देश है, आपको अटैक करना चाहिए उस पर जाके। लेकिन आप मज़हब के नाम पे और सिर्फ एक ही चीज़ के नाम पे इस देश को बांटने की कोशिश मत करिए। इस देश का मुसलमान या इस देश का हिंदू इस बात से नहीं होगा कि आप कह रहे हो पाकिस्तान पाकिस्तान कह रहे हो और हम खुद नफरत करते हैं पाकिस्तान से। हाथ जोड़ के विनती है अपने हिंदू भाइयों से कि आप लोग आरएसएस और बीजेपी के इस चक्रव्यूह जाल में मत आइए, मत बनिए। वो आपको अभिमन्यु बनाना चाहते हैं कि चक्रव्यूह में डाल के और उसके बाद कहाँ छोड़ देंगे आपको नहीं पता चलेगा। मॉब लिंचिंग के जो शिकार मुस्लिम मुख्य रूप से मुस्लिम और दलित बन रहे हैं, एक आदमी को, एक निहत्ते आदमी को साइकिल पे पैदल रस्ते में अपने घर जाते हुए एक मासूम शख्स को 10-12 लोग इकट्ठे होकर इस बात पर मार देते हैं कि वो एक धर्म, एक जात, एक बिरादरी और एक रंग से ताल्लुक़ रखता है, ये बहुत शर्मनाक बात है। इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हैं और यहाँ पे बड़े पैमाने पर मॉब लिंचिंग को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन कांग्रेस की तरफ से यहाँ पे मौजूद है अली। अली, क्या कहना है माइनॉरिटी न्यूज़ में? बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। जो इस वक्त यहाँ पे घटनाएं देखी जा रही हैं, हर हफ्ते कोई ना कोई बड़ी घटना घट जाती है, उस मामले में का क्या कहना है? जो फिलहाल अभी पुरानी दिल्ली के अंदर भी बड़ी घटना घटी, उसके बावजूद घटनाओं पर घटनाएँ होती जा रही हैं, यहाँ पर प्रोटेस्ट होते हैं लेकिन कोई कड़ा कानून या कड़ी सज़ा इसमें नहीं मिलती है, तो आपका क्या कहना है माइनॉरिटी न्यूज़? देखिए, पहले तो मैं माइनॉरिटी न्यूज़ के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आज जो हम यहाँ जंतर मंतर की ऐतिहासिक ज़मीन पर इकट्ठे हुए हैं वो इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अल्पसंख्यक विभाग, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट ने मिलकर ये मुहिम चलाई है कि जिस तरीके से देश के अंदर दलितों के साथ और मुसलमानों के साथ जो अत्याचार और उत्पीड़न हो रहा है, मॉब लिंचिंग के जो शिकार मुस्लिम मुख्य रूप से मुस्लिम और दलित बन रहे हैं, एक आदमी को, एक निहत्ते आदमी को साइकिल पे पैदल रस्ते में अपने घर जाते हुए एक मासूम शख्स को 10-12 लोग इकट्ठे होकर इस बात पे मार देते हैं कि वो एक धर्म, एक जात, एक बिरादरी और एक रंग से ताल्लुक़ रखता है, ये बहुत शर्मनाक बात है। नरेंद्र मोदी जी अभी पूरी दुनिया का भ्रमण करके आए हैं, अभी वो हिंदुस्तान से बाहर गए थे। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मोदी जी, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, आपको लगता है कि बाहर देश से बाहर हिंदुस्तान की हमारी जो तस्वीर आप दिखा रहे हो बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन आप बाहर के लोग जो नॉर्मल लोग सब लोगों से मिलते हो कहते हैं कि हम हिंदुस्तान कैसे आएँ, वहाँ तो तुम्हारे हिंदुस्तानी सेफ नहीं है, तुम्हें इस चीज़ पे मार दिया जाता है कि तुम एक धर्म, एक बिरादरी और एक रंग से ताल्लुक़ रखते हो, लोग आने के लिए तैयार नहीं है, बिजनेस करने के लिए तैयार नहीं है। क्या ये चेहरा है? क्या ये सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है जो नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया था? वो ऊपर से बैठ के कहते हैं कि मैं मॉब लिंचिंग पे कानून बनाऊंगा, मैं दलितों के उत्पीड़न को रोकूंगा, लेकिन नीचे उनके ही आरएसएस के कार्यकर्ता, उनके ही बजरंग दल के कार्यकर्ता, उनके ही बीजेपी के कार्यकर्ता किसी पहलू खान को, किसी रोहित को, किसी सुबोध को मार देते हैं। और एक 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 आप सोचिए, एक सुबोध जो पुलिस वाले थे जिन्होंने अपनी जान पे खेल के, इतना बड़ा इंस्पेक्टर थे, इतना बड़ा मसला बचाया बुलंदशहर के अंदर, मैं सलाम करता हूँ उस शख्स को, उसकी भी मौत को उन्होंने मजाक बना दिया, उसकी लिंचिंग हो गई। जो लोग थे, जो लोग आरोपी हैं, उनका छोड़ा गया, उनका स्वागत हुआ। मेरी इल्तिजा है पुलिस महकमे के लोगों से, उत्तर प्रदेश पुलिस के और दिल्ली पुलिस के लोगों से भी कि आपके पुलिस के लोग जब सेफ नहीं है तो हम जैसों की क्या औकात है? और अगर आज, और अगर आज पुलिस वाले को मारने के बाद वो जिन लोगों ने कत्ल किया उनका स्वागत हो रहा है तो फिर मेरी समझ में तो नहीं आता कि हम किस तरफ चल दिए। पुलिस के साथ अगर ये हो रहा है तो नॉर्मल आदमी तो इस देश में सेफ है ही नहीं। बात अगर पुलिस की आई है तो पुलिस का, जैसा पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का मामला था, जो पुलिस का रवैया रहा वहाँ पे, आपने देखा होगा कि पहले 304 का मामला हुआ, 304/30 का, उसके बाद में बताया गया कि इसे 302 में तब्दील किया जाएगा। रात भर हमारी टीम वहाँ मौजूद रही और दीगर पत्रकार वहाँ मौजूद रहे और दिल्ली की ज़्यादातर पार्टियों के सभी लोगों ने इत्तेहाद दिखाया। तो क्या मानते हैं कि पुलिस का भी एक गैर जिम्मेदाराना रवैया होता चला जा? बिल्कुल, मुझे बड़ा अफसोस है इस बात पे कि दिल्ली पुलिस ने 304 को 302 में कन्वर्ट करने का वादा किया था, और क्योंकि 304 से 302 इसलिए भी कन्वर्ट कराई गई क्योंकि एक आदमी का मर्डर हुआ और मर्डर इंटेंशन से हुआ कि मर्डर करना था, उन्होंने उसको लॉलीपॉप देने के लिए नहीं मारा था, उन्होंने इसलिए नहीं मारा था कि इसको 4 थप्पड़ मार देंगे और ये जाके हॉस्पिटल में ये भर्ती हो जाएगा, इसकी चोटें लगेंगी। क्लियर इंटेंशन था कि इसने जो हमसे ख़रीदारी करी है, जो भी कुछ हुआ, सोची समझी साजिश के तहत, इंटेंशन के तहत उसको मारा गया। तो लीगली ये 302 का मुकदमा, इसके अंदर 302 धारा बनती है,
दिल्ली पुलिस पे मुझे बड़ा अफसोस है। मैं अभी भी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसा मत करें, आप लोगों के विश्वास को मत तोड़ें। वहां पर सुबह से लेकर रात तक सारी पार्टियों के लोग बैठे रहे। 2 बजे आपने वादा किया कि हम 304 को 302 में तब्दील कर देंगे, उसके बाद भी आपने आज, ये तो झूठा वादा हो गया आपका। अगर आप ऐसे करेंगे तो दिल्ली पुलिस पे विश्वास, जिस पे हमें पूरा विश्वास है, अगर दिल्ली पुलिस नहीं होगी तो हम दिल्ली के अंदर सेफ कैसे हैं। लेकिन इस घटना से दिल्ली पुलिस पे एक सवालिया निशान लग जाएगा कि हम कैसे भरोसा करें। अली, मेरा आखिरी सवाल यह है कि जिस तरीके से पुरानी दिल्ली कोतवाली चांदनी चौक पर सभी पार्टियों के लोग एक जगह मौजूद हुए थे और इसके अंदर कोई भी पार्टी विशेष को किसी ने अपनी पार्टीबाजी नहीं करी, वहाँ पे इत्तेहाद दिखाया, मुत्तहिद हुए, तो देश के लोगों से क्या मैसेज देना चाहेंगे कि एकता ज़रूरी है तभी आपकी जीत होगी? बेशक मुत्तहिद ज़रूरी है होना, एकता ज़रूरी है। आज जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं ये एकता का ही प्रोग्राम है, ये पहली बार हिस्ट्री में हुआ है मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी की। मुझे आज 4 साल हो गए अल्पसंख्यक विभाग का अध्यक्ष बने हुए, मैंने कभी नहीं देखा था कि अल्पसंख्यक विभाग और SC विभाग, दलित और माइनॉरिटी मिलके एक मुद्दे पर आके एक आवाज़ लगा के लड़ाई लड़ रहे हैं। तो यहीं से इत्तेहाद की शुरुआत हमने करी है और हम तो इत्तेहाद वाले लोग हैं, हम इत्तेहाद में भरोसा रखते हैं। आप मुझे बताइए, इस मुल्क का मुसलमान सबसे बड़ा देशभक्त है। सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया कि ट्रिपल तलाक आज से बैन होती है, आज से इनवैलिड होती है। एक मुस्लिम संस्था मुझे आप बता दें कि जिसने रोड पर आके एहतजाज किया हो कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को नहीं मानते। लेकिन वहीं कुछ शरारती तत्व थे, कुछ RSS के बजरंग दल के लोग थे जो जिनका काम ही गंद मचाना है। जब सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट आया कि दिवाली के मौके पर पटाखे दिल्ली में नहीं फोड़े जाएंगे क्योंकि पॉल्यूशन होता है, नॉर्मल जो हिंदू है, जो सभ्य हिंदू है, जो 90% इस देश का है, उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सलाम किया कि लेकिन वो 10% लोग जो RSS से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इस फैसले को नकारा और उन्होंने कहा कि हम फैसले को नहीं मानते और हम पटाखे और चलाएंगे। तो मैं आपके माइनॉरिटी TV के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि वो 10% लोग जो RSS के हैं वो देशभक्त हैं, या इस देश के अंदर जिन मुसलमानों पर सवालिया निशान लगता है वो देशभक्त हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात को माना, सुप्रीम कोर्ट की बात को अपने शरीयत से ऊपर करके माना कि नहीं, हम इस बात का स्वागत करते हैं। अली, आखिरी बात, दिल्ली कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष होने के नाते जो देश के लोग आपको देख रहे हैं, माइनॉरिटी न्यूज़ के जरिए क्या मैसेज देना चाहेंगे उन्हें ऐसी घटनाओं पर? देखिए, मैं आपके माइनॉरिटी न्यूज़ के माध्यम से, क्योंकि मैं देख रहा था फेसबुक पे भी और सब पे कि जब खारी OS के मामले में आप लोग भी पूरी रात वहाँ लगे रहे, आपने इस न्यूज़ को सब जगह पर आम किया, आपके माध्यम से और लोगों के माध्यम से देखा गया। मैं यही आपके TV के माध्यम से अपने जवान साथियों को ये मैं कोई मैसेज नहीं दे सकता क्योंकि मैं खुद क्या कहते हैं कुछ नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट अपने देशवासियों से कर सकता हूँ, हाथ जोड़ के विनती है अपने हिंदू भाइयों से कि आप लोग RSS और BJP के इस चक्रव्यूह जाल में मत आइए, मत बनिए। वो आपको अभिमन्यु बनाना चाहते हैं कि चक्रव्यूह में डाल के और उसके बाद कहाँ छोड़ देंगे आपको नहीं पता चलेगा। इस देश का मुसलमान, इस देश का दलित आपसे मोहब्बत करता है, इस देश का मुसलमान इस देश से बेपनाह मोहब्बत करता है, इस देश का मुसलमान पाकिस्तान से, आप जो नॉर्मल और कोई हिंदुस्तानी नफरत करता होगा उससे ज़्यादा नफरत करता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर देश के ऊपर कभी ऐसे हालात हुए कि इस देश को खून की ज़रूरत पड़ेगी पाकिस्तान से या चाइना से, तो मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि अगर नागरिकों की ज़रूरत पड़ेगी तो सबसे पहले खून अगर निकलेगा तो किसी मुसलमान का निकलेगा। ये मैं बड़े ज़िम्मेदारी से कहना चाहता हूँ आपसे, हम भी पाकिस्तान से नफरत करते हैं। हमारा क्या मतलब पाकिस्तान से? मैं तो कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी से मैं आपके TV के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन्होंने जो हमारे ऊपर अटैक किए थे, हमें तो उन पर अटैक करना चाहिए था, इस्लामाबाद में जाके अटैक करना चाहिए उन पर। आप सक्षम हैं, आप मजबूत देश हैं, पाकिस्तान तो कमज़ोर देश है, आपको अटैक करना चाहिए उस पर जाके। लेकिन आप मज़हब के नाम पे और सिर्फ एक ही चीज़ के नाम पे इस देश को बांटने की कोशिश मत करिए। इस देश का मुसलमान या इस देश का हिंदू इस बात से नहीं होगा कि आप कह रहे हो पाकिस्तान पाकिस्तान कह रहे हो और हम खुद नफरत करते हैं पाकिस्तान से, हमें खुद गुंदा के पाकिस्तान से। जो हमारे देश का दुश्मन है, मतलब जो हमारे देश का दुश्मन है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा दुश्मन है और अगर वक्त आएगा तो उसको मारने का भी वक्त आएगा, उससे लड़ने का भी वक्त आएगा, तो हम लोग शाना बचाना खड़े जी। बहुत बहुत शुक्रिया अली। तो ऐसा साफ तौर से कहना है कि अगर देश के अंदर कोई भी ऐसी घटना घटती है तो सबसे पहले गोली खाने के लिए और खून देने के लिए मुसलमान नजर आएगा। तो वहीं बड़ी बात ये नज़र आती है कि देश के अंदर हर हफ्ते कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग की घटनाएं घटती जाती हैं जिसके ऊपर पुलिस के ऊपर भी एक सवालिया निशान खड़ा होता है। तो इसी तरफ हमें सोचना होगा और साफ तौर से अगर हम कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस ओर जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए कड़े कानून
लागू करने होंगे। कैमरा पर्सन सलीम के साथ में आसिफ खान, माइनॉरिटी न्यूज़ के लिए दिल्ली के जंतर मंतर से।